नमस्कार दोस्तों, पति पत्नी और वो कार्तिक आर्यन का लुक हुआ आउट। फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी में अपनी परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस करने वाले कार्तिक इन दिनों अपनी फिल्म लुका छुपी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कार्तिक आर्यन के सितारे इन दिनों काफी ज्यादा बुलंद चल रहे हैं। कार्तिक आर्यन के पास लगातार फिल्में आ रही है, साथ ही अनन्या पांडे के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं और फिल्म पति पत्नी और वो में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म के उनके कैरेक्टर का फर्स्ट लुक सबके सामने आ गया है। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर खुद अपने लुक को रिवील किया है। उन्होंने फिल्म के लुक की एक फोटो शेयर की है, साथ ही उन्होंने अपने कैरेक्टर का नाम का भी खुलासा किया है। कार्तिक ने फोटो में सिंपल चेक शर्ट और प्लेन ग्रीन कलर की पैंट पहनी हुई है। उनके लुक से साफ दिख रहा है कि कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है। इसके साथ ही उन्होंने मूंछ भी रखी हुई है। उनका लुक बहुत ही सिंपल है और वो हाथ बांध कर खड़े हैं। कार्तिक आर्यन 1978 में आई सुपरहिट फिल्म पति पत्नी और वो का रिमेक कर रहे हैं। पति पत्नी और वो ओरिजिनल फिल्म में संजीव कुमार लीड रोल में नजर आए थे, जबकि उनकी पत्नी के किरदार में विद्या सिन्हा और सेक्रेटरी के रोल में रंजीता कौर नजर आई थी। बीआर चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस कहानी को लेकर कमलेश्वर ने लिखा था। मेकर्स इसके प्लॉट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल फिल्म को आजकल के माहौल जैसा बना दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिमेक काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। कार्तिक इस फिल्म में संजीव कुमार का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में भूमि कार्तिक की पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि अनन्या के साथ होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्तिक आर्यन के पास काफी मूवीज के ऑफर्स आ रहे हैं और कई वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म करके अपने अभिनय को बार बार साबित कर देते हैं। तो आजकल के जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में कार्तिक आर्यन के पास जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको मिल रहे हैं। अगर आप भी एक्साइटेड हैं उनकी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।